खबर है राजधानी लखनऊ से। बता दें 14 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक राजधानी लखनऊ में संविधान जन जागरूकता यात्रा चलाई गई। इस यात्रा का आयोजन संविधान बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ किया गया था। यात्रा का समापन यूको गार्डन में किया गया। यात्रा के समापन पर मीडिया से बात करते हुए पदाधिकारी ने कहा कि सरकार जिस तरह से संविधान को खत्म करने की बात कर रही है उससे देश में अराजकता फैलने का खतरा है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता सरकार को इसका जवाब देगी। पदाधिकारी ने कहा कि सरकार संविधान के मूल ढांचे को बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा संविधान एक जीवित दस्तावेज है जिसे समय के साथ बदला जा सकता है लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि सरकार संविधान की स्वतंत्रता समानता और न्याय की भावना को खत्म करने की कोशिश कर रही है। सरकार के इस प्रयास को रोकने के लिए जनता को एकजुट होना होगा। यात्रा में विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा के दौरान लोगों को संविधान के बारे में जागरूक किया गया। लोगों को बताया गया कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसे किसी भी कीमत पर बचाना होगा। 8:47 लाइव टीवी के लिए राजधानी लखनऊ से संवाददाता युवराज गौतम की रिपोर्ट। अपना परिचय देते हुए बताइए। जो मैं शिव कुमार यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव सेना व अखंड भारत मिशन। थोड़ा जोर से बोलिए सर। और आज जो है ये यात्रा यहाँ पर समापन हुई, उसका उद्देश्य क्या रहा है? देखिए, जब से ये सरकार आई है, मनवादी सरकार आई है, चाहे मोदी बैठे हों केंद्र में या योगी यहाँ बैठ गए हों, दोनों रिपीट हो चुके हैं। एक तिवारा की तैयारी करने के मूड में हैं। और जब से ये सरकार आई है तभी से, क्योंकि ये आरएसएस से पोषित सरकार है, आरएसएस से चलने वाली सरकार है, जिनको चलाने वाले ये कहते हैं कि जब हम पूरी ताकत से सत्ता में होंगे तो संविधान बदल देंगे। वो बाबा साहब के संविधान को ना मानकर मनु के संविधान को मानने वाले लोग हैं और मनुवादी व्यवस्थाओं से लोगों को कुचलने की का कुचक रचते रहते हैं। कभी प्रतियाँ जला दी जाती हैं, कभी कहा जाता है कि हम तो संविधान को मानते ही नहीं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और रामचरितमानस में जो गलतियां हैं, जो गलत लिखा गया है किसी के बारे में, किसी जाति के बारे में, समाज के बारे में, अगर उसका विरोध कोई कर देता है, वो सिर्फ चौपाई जला देता है तो उनको जेल में डाल दिया जाता उठा के। तो मुझे कहना सिर्फ यही है कि यात्रा जो मुजफ्फरनगर से 14 तारीख को शुरू हुई, आज 24 तारीख हो गई, 10 दिन चली है और लगभग पूर्वांचल होते हुए यहाँ लखनऊ पहुँची, आज समापन है इसका। ये यात्राएँ सिर्फ संविधान दिवस के इर्द गिर्द या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के आसपास, उनके पुण्यतिथि के आसपास, बीपी मंडल के जयंती और पुण्यतिथि के आसपास ही नहीं चलाई जानी चाहिए। ये अनवरत चलनी चाहिए यात्रा। अगर बस से ना चले तो साइकिल से चले, पैदल चले, गांव में चौपाल होनी चाहिए। क्योंकि ये बातें अगर आप नहीं पहुँचाएँगे अपने लोगों के बीच ना, तो आपके बीच के जो जयचंद, तो नहीं कहना चाहिए, जयचंद अच्छा आदमी था, उसने उस सम्मान की लड़ाई लड़ा था, विभीषण जो बैठे हैं हमारे समाज के, चाहे स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हों, पटेल हों, या एक और पटेल हैं महिला, वो हैं उनके पति हैं, या डॉक्टर निषाद हों, चाहे आजकल एक राजभर चचा हैं, वो भी उन्हीं की माला जप रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके वोटों की दलाली करके वहाँ ले जाकर बेच देंगे, रुपया पैसा लेके या मंत्री का पद लेके, क्योंकि एक व्यक्ति भी चूँ नहीं बोल रहा है। यहाँ 69,000 भर्ती पीड़ित बच्चे पड़े हैं जो 15,000 पद चुरा लिए गए ओबीसी के। कौन ओबीसी का नेता आ रहा है भाजपा में बैठा हुआ? उनको सिर्फ वोट चाहिए भाजपा का। अगर ये यात्राएं नहीं होंगी, आपको समाज संविधान के प्रति जागरूक नहीं करेंगे अपने समाज को, तो ये आपके घरों में से आपकी व्यवस्थाएं चुरा लेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर से ये वही चाहते हैं कि अगर आप इनकी चोरी के ख़िलाफ़ गलत जो ये कर रहे हैं उनके खिलाफ़ बोलिए तो आपकी जबान कटवा लें, अगर उनकी गलतियां, उनकी चोरियां आप पकड़ लें, सुन लें, तो आपके कानों में शीशा पिघला के डलवा दें। ये सिर्फ वही चाह रहे हैं और उसके लिए सिर्फ उसका से बचने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है संविधान। और संविधान को जब तक आप मजबूत स्वयं नहीं करेंगे, संविधान के लिए अपने घर परिवार के लोगों को और आने वाली पीढ़ियों को जागरूक नहीं करेंगे, तो फिर से आप गुलाम बनने के लिए तैयार रहिए। सामने हड़िया और पीछे झाड़ू। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए भाई। जिस संविधान की शपथ लेके देश चल रहा है, अदालतें चल रही हैं, मंत्रिमंडल चल रहा है, उस संविधान को क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? संविधान पढ़ाया जाएगा। संविधान में जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, हमारे अन्य व्यवस्थाएं जो उससे चल रही हैं, जब तक हमारे बच्चे नहीं जानेंगे वो लड़ेंगे कैसे?
वो तो पढ़ते पढ़ते नौकरी के चक्कर में पड़ जाते हैं कि अब हमको रोजगार चाहिए। संविधान के बारे में तब जान पाते हैं जब सब कुछ करने के बाद उनको नौकरियां नहीं मिलती, उनको रोडों पे धरना देना पड़ता है, तब वो कहते हैं कि अब हमको ज़रूरत किसकी है, संविधान की। फिर संविधान से लड़ते हैं, फिर पाते हैं, उसमें पता चला बरसों समय बीत जाता है। लेकिन अगर ये चीज़ सुबह शुरू से ही बच्चों को पढ़ाई जाए कि संविधान क्या है, संविधान ने तुमको क्या दिया है, उसमें क्या तुम्हारे हक अधिकार हैं, कैसे तुम लड़ सकते हो, कैसे तुम जीत सकते हो, तो लड़ाई आसान हो जाएगी। महोदय जी, आप जातियों में बटे हुए हैं, एकजुट कैसे होंगे जनता को, इस बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भैया, जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन बहुजन समाज की जो भी जातियाँ हैं, पिछड़े समाज की, दलित समाज की, या अल्पसंख्यकों की जो भी जातियां हैं, जो दलित में आती हैं, ओबीसी में आती हैं, सबकी समस्याएं तो एक है ना, सबके रहन सहन के तरीके एक हैं, सब कमेरा समाज से आते हैं, सब मेहनत मजदूरी करने वाले और खेती करने वाले लोग हैं। तो जातियों से कहा तो किसमें जातियां नहीं हैं, जिनको आप समर्थ कहते हैं क्या उनके पास जातियाँ नहीं हैं? ब्राह्मणों में कम से कम 15-20 जातियाँ हैं, तो हम क्या मान लें ब्राह्मण एक नहीं है? आप उनको देख के कुछ नहीं सीख पाते हैं, आप उनको देख के सिर्फ मंदिर जाना सीख पाते हैं। तो सर अपने आप को सवर्ण कहते हैं ना? सवर्ण कहते हैं ना, उनसे पूछिए ना, तिवारी कहता मैं दुबे में शादी करूंगा, तिवारी में नहीं करूंगा, वो भी तो वहाँ भी तो वही व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ये जानबूझ के ऐसी व्यवस्थाएं करें। और आपसे क्या कहते हैं, अच्छा यादव जी आप क्या यार ग्वाल हो तो ग्वाल में शादी करना, नहीं तो आपका जो जीन है ना वो खराब हो जाएगा। वो खराब नहीं करते हैं, आपके जीन को कुंद करते हैं। वो जानते हैं कि दूसरे गोत्र में या दूसरी जाति में आप शादी कर लेंगे तो आपकी जो नस्लें हैं, जो आपके बच्चों में आने वाला जीन है, वो बहुत उन्नत किस्म का होगा। और हमारा समाज खेतिया समाज है, हर साल अपने खेतों में अनाज बदल देता है, लेकिन जीन नहीं बदलना चाहता, जिससे सैकड़ों साल लोग जिंदा रहते हैं, पीढ़ियाँ चलती हैं। जातिगत जनगणना पे क्या कहना चाहेंगे? भाई, जातिगत जनगणना ही हमारे आपके मूलभूत अधिकार पाने का एकमात्र रास्ता है। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, पता नहीं चलेगा कौन किसका हक मार रहा है। जैसे नहीं कहते ओबीसी का हक तो यादव ने मार लिया, दलितों का हक चमार ने मार लिया, बिहार में जनगणना हो गई, पता चल गया 14.6% ओबीसी में यादव है और 1.5% सिर्फ नौकरियों में और खेती में उसका हिस्सा है, तो बाकी कौन खा रहा है? दलित तो नहीं खा रहा है, मुस्लिम तो नहीं खा रहा, खा कौन रहा है? सवर्ण खा रहा है। तो जब तक आपकी जनगणना नहीं होगी, ये आपको कुत्ता बिल्ली गाय भैंस के जनगणना मुलझाए रहेंगे, गणना मुलझाए रहेंगे, लेकिन जनगणना इंसानों गणना नहीं होगी, जिनकी जिनके बदौलत ये सत्ता में बैठे हैं। अब अगर ये भाजपा वाले सत्ता में बैठे लोग आते हैं चुनाव के समय कि हमारी सरकार आएगी, हमको वोट दो, हम जनगणना करवा देंगे, तो इनको बढ़िया सा चप्पल निकाल के पहले दो ही चप्पल मारिए, तब बात करिए कि 10 साल तुमने क्या किया सत्ता में बैठ के, दो बार तुमने कस्में खाई, हम आपका हक अधिकार देंगे, हम आपकी जनगणना करवाएंगे, हम आपके बच्चों की पढ़ने लिखने की व्यवस्था करेंगे, हम आपको हवाई यात्रा करवाएंगे, हवाई चप्पल तक छीन लिए इन लोगों ने। इतनी समझ अगर आपके पास नहीं है समझने की, तो फिर तो आप इनके जो मनुवादी व्यवस्थाओं की वो चक्की है ना, उसमें पिसने लायक ही हैं, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता।